हमने पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में पढ़ा था, उसके बाद उसके वाक्य बनाने थे, तो उसके लिए हमें एक वर्ब का ज्ञान होना आवश्यक है, क्रिया जिसे हम कहते हैं, वर्ब यानी कि क्रिया। किसे कहते हैं क्रिया? कि वाक्य को बनाने के लिए वर्ब बहुत ज़रूरी आवश्यक है। क्रिया हम सामान्य शब्दों में पढ़ें तो किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे हम क्रिया कहते हैं। वाक्य बनाने के लिए क्रिया आना महत्वपूर्ण है। कुछ एक बच्चों के समस्या आ रही थी वाक्य बनाने में क्रिया की, तो उसके लिए पहले क्रियाओं कुछ क्रियाओं को हम देखते हैं। तो क्रिया की परिभाषा हमने लिखी, अ वर्ड, एक शब्द और ए फ्रेज या शब्द समूह, एक शब्द या शब्द समूह, अ वर्ड और ए फ्रेज दैट इंडिकेट, संकेत करता है एन एक्शन, किसको? एक कार्य को, एक कार्य को संकेत करता है, और ए स्टेट और एक स्थिति को बताता है। यानी हम ये कहें कि एक शब्द या शब्द का समूह जो एक कार्य को या कार्य की स्थिति को बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? वर्ब बोलते हैं। वर्ब के तीन भाग हैं, एक है आपके फर्स्ट फॉर्म, एक है सेकंड फॉर्म, और एक पास्ट पार्टिसिपेंट यानी थर्ड फॉर्म जिसे हम बोलते हैं वो है। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जिसे हम पास्ट पार्टिसिपेंट भी बोलते हैं। तो क्रिया हमें याद होनी आवश्यक है टेंस करते समय, इसलिए पहले क्रिया का चैप्टर हमने एक बार ले लिया पहले बीच में। जैसे प्ले है, प्ले मीन्स क्या हो गया? खेलना। प्ले की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? प्लेड हो गई। थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई? प्लेड हो गई, और इसका अर्थ हो गया खेलना। जैसे हम वाक्य देखें कि वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो हम कहेंगे यहाँ वह को तो आप पहचान लोगे ही, क्रिकेट, क्रिकेट आप पता है क्रिकेट खेल हो गया, क्या करता है वो क्रिया हो गई अपनी वर्ब, खेलता है यानी वर्ब हो गई, तो वर्ब यहाँ आ गई प्लेज। तो ये प्लेज जो लगाया है ये अपने क्रिया है, क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। तो इस प्लेज को पहचानना, इसके लिए हम एक बार वर्ब को देख रहे हैं। जैसे प्ले का प्ले, प्लेट, प्लेट, ठीक है ना, मीन्स क्या हो गया? खेलना। जैसे ब्रिंग, ब्रिंग मैंने लाना, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट हो गया, ब्रिंग मीन्स क्या हो गया? लाना हो गया, ब्रिंग ब्रॉट, ब्रॉट, इस तरह याद भी करनी है आपको। बाय मैंने खरीदना, बाय बॉट, बॉट हो गया, बाय बॉट, बॉट हो गया, बाय मैंने होता क्या है? खरीदना होता है, तो बाय बॉट, बॉट हो गया। जैसे गाना, गाने को हम क्या बोलते हैं? सिंग, एस आई एन जी, जो गा रहे हैं गाना उसको सिंग बोलते हैं। सेकेंड फॉर्म हो गई इसकी सेंग, थर्ड फॉर्म क्या हो गई? संग, सिंग सेंग क्या बन गया? संग बन गया। जैसे देखना, देखने को हम क्या बोलेंगे? सी, सेकेंड फॉर्म हो गई सा, फिर क्या आ गई? सीन, मतलब क्या हो गया इसका? देखना हो गया। कुक, सी डबल ओ के, कुक मैंने क्या होता है? पकाना, कुक, कुक्ड और कुक्ड हो गया, कुक, कुक्ड, कुक्ड, मतलब होता क्या है? भोजन को पकाने को हम क्या बोलते हैं? कुक बोलते हैं। जैसे कहना, कहने को क्या बोलते हैं? से, से, सेड, सेड हो गया, कहना, से, सेड, सेड हो गया। रखना, रखने को हम क्या बोलते हैं? पुट, इसकी सेकंड फॉर्म भी क्या होती है? पुटी होती है। थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? पुट होती है। पुट मैंने होता क्या है? रखना। जैसे पढ़ना, पढ़ना की क्रिया क्या हो गई? रीड मैंने क्या हो गया? पढ़ना। सेकंड फॉर्म भी रीड ही रहेगा, थर्ड फॉर्म भी क्या रहेगा? रीड ही रहेगा। रीड मैंने क्या हो गया? पढ़ना हो गया, सेम रह गई, रीड 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 आ गया, पुट 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 आता है। तो इस तरह आपको याद रखना है इसको। करना, करने को हम बोलते हैं डू, सेकंड फॉर्म क्या हो गई? डिड। थर्ड फॉर्म क्या हो गई? डन हो गई। डन मैंने क्या होता है? क्या है? करना। जाना, जाने को हम बोलते हैं गो, गो की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? वेंट, वेंट। थर्ड फॉर्म क्या होगी गो की? गॉन, गो वेंट गॉन, मैंने क्या हो गया? जाना हो गया। आना, आने को हम बोलते हैं कम, कम की सेकंड फॉर्म क्या हो गई? केम, फिर क्या हो गई? कम, कम, केम, कम, मींस क्या हो गया? आना, क्रिया हो गई ये। कीप मैंने रखना, के डब्ल्यू पी, कीप, सेकेंड फॉर्म हो गई कैप, थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई? कैप, कीप, कैप, कैप हो गया, मीन्स क्या हो गया? रखना। सोना, सोने को क्या बोलते हैं? स्लीप, सेकेंड फॉर्म हो गई स्लैप, फिर थर्ड फॉर्म भी क्या हो गई? स्लैप, मीन्स क्या है इसका? सोना। किसी को कोई चीज़ देते हैं उसको बोलते हैं गिव, सेकेंड फॉर्म क्या हो गई? गेव, थर्ड फॉर्म क्या हो गई? गिवन, गिव, गेव, और क्या हो गया? गिवन। इस प्रकार हम वर्ब को याद करेंगे, और भी बहुत सारी वर्ब होती है उनको भी अपनी बुक से देखकर याद करेंगे।
जितनी वर्ब ज़्यादा याद रहेगी उतना हम वाक्य को आराम आसानी से बना सकते हैं। तो याद करना है वर्ब को, वर्ब याद करने के बाद हम वाक्य शुरू करेंगे, इसलिए पहले ये चैप्टर लिया है वर्ब वाला। तो आपको ये 15 वर्ब तो लिखनी और याद करनी ही है, साथ में अन्य भी आपको वर्ब मिले उसको भी क्या करना है, याद करना है। अगले चैप्टर में हम आगे चलेंगे वाक्यों में।